हेलो, वेलकम टू द टुडेज लेक्चर, है ना। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर, है ना। तो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। आपका ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर पढ़ा चुका हूं बटरवर्थ का, है ना। तो उसमें जो कुछ भी है ना, उसको जस्ट आर को सी से रिप्लेस कर दीजिए, आपका सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हाई पास फिल्टर रेडी हो जाएगा। कोई भी आपको ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। जैसे ये हमने फिल्टर आपको बताया था, ठीक है, इस तरह से कि ये है आपका आरएफ और ये भी है आपका आरएफ R1, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। यहां से हमने बताया था कि यहां पे R लगता है और यहां C लगता है। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। ये 741 ओप एम्प ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये Vout है ना, ये R है और ये C है ना। हमने इस सबका वैल्यू भी कैलकुलेट किया था 1 kHz के लिए, और हमने बताया था कि आपको R का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, C का वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लो पास फिल्टर है, ये क्या है, लो पास फिल्टर। आपको लो पास फिल्टर से अगर हाई पास फिल्टर में बदलना होगा तो क्या करेंगे आप, हाई पास फिल्टर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, इस C को यहां से हटा के यहां लगा देंगे, है ना। यहां कैपेसिटर यहां आ जाएगा और जो रजिस्टर है वो यहां से हटके यहां आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बस सिर्फ इतना करना है आपको, सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ आपका ये फिल्टर रेडी हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे इसका आउटपुट निकलेगा, है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करना होगा तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करने के लिए एक पूरा अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, इसका वी आउट अपॉन वी इन का रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेट अस सपोज यहां का वोल्टेज है V1, कितना है यहां पर V1, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1, है ना। क्योंकि ये कैसा है, ये वो कैसा एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि हम लोग इनपुट किस पे दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर। ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो वी आउट होता है दैट इज नथिंग बट 1 + Rf / R1 इनटू वोल्टेज एट दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, है ना। इतना सिंपली निकाल सकते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं, ओके। अब लेकिन V1 कितना होगा ये भी मैं बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यहां पर कैपेसिटर था तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता वही यहां V1 में दिखाई देता, क्योंकि यहां ग्राउंड है, है ना। अब ये ग्राउंड, अब जो R के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही होगा V1, तो यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इंपीडेंस, यू कैन से R+ ये इसका जो इम्पीडेंस ऑफर होगा, तो इसके द्वारा जो इम्पीडेंस ऑफर होगा वो कितना होता है, किसी भी कोई कैपेसिटर कितना इम्पीडेंस ऑफर करता है, इट ऑफर्स 1/J2πfc, 1/J ωc भी लिखते हैं इसको, है ना, J ωc, और ओमेगा को कितना लिखते हैं 2πf, तो डायरेक्ट हम लोग यही लिखते हैं 2πf × C। ये इतना इम्पीडेंस ऑफर करेगा ये आपका कैपेसिटर, है ना। तो टोटल कितना हुआ, R+1/J ωc, जे ओमेगा की जगह पर 2πf × C, ये हो गया टोटल इंपीडेंस इनटू वी इन। ये होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना। आप इसको एलसीएम लीजिए, है ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, J2πfc, ओके। यहां R रहेगा ऊपर में, सॉरी थोड़ा सा,
अभी इसको हम ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा जे टू पाई एफ आर सी, ये वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस वन, है ना, और यहाँ ऊपर में सिर्फ आर रहेगा, और ये कहाँ चला जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जे टू पाई आर या टू पाई एफ आर सी अपॉन वन प्लस जे टू पाई एफ आर सी, है ना, ये हो गया, है ना, ये हो गया वी वन का वैल्यू, है ना। तो आप वी वन का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो आपको वी आउट निकल जाएगा। इसको रखते हैं हम लोग एफ, इसको रखते हैं एफ, है ना, एफ इंटू दिस वैल्यू जे टू पाई एफ आर सी अपॉन वन प्लस जे टू पाई एफ आर सी, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना, ठीक है, दिस वी मल्टीप्लाइड बाय दिस, ओके। तो इसके लिए है ना, यहां पर वी इन भी होगा, सॉरी दिस विल बी वी इन ऑल्सो, और यहां पर भी वी इन होगा, ठीक है, इसलिए यहां पर भी वी इन होगा, ठीक है। अब इस सबको हटा देते हैं, ये सब तो हमने कर लिया है ना, यहां से अब आगे चलते हैं, वी आउट अपॉन वी इन निकालते हैं क्या होगा। सो वी आउट अपॉन वी इन, ओके, एंड एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, सो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये होता है। और वी आउट अपॉन वी इन का वैल्यू कहां से आ जाएगा, यहां से एफ इंटू दिस वैल्यू जे टू पाई एफ आर सी अपॉन वन प्लस जे टू पाई एफ आर सी, ओके। सो एक और चीज हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है एफ सी, है ना, वो भी अगर हम लोग चाहें तो यहां पर निकाल सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। वी आउट अपॉन वी इन, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो कितना हो जाएगा ये एफ, है ना, मैग्नीट्यूड तो ये टू पाई एफ आर सी हो ही जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा वन प्लस टू पाई एफ आर सी का होल स्क्वायर का रूट, ये ऐसा, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कब होता है, जो हमने इनपुट में दिया था, है ना, तो इनपुट में जो भी दिया हुआ है उसका वन बाय रूट टू आउटपुट में आना चाहिए, मतलब कि आउटपुट में जब जो ये वी आउट अपॉन वी इन का रेशियो अगर ये एफ अपॉन रूट टू हो जाए जिस समय, है ना, एक्चुअली वी आउट अपॉन वी इन का गेन कितना है एफ, जिस समय गेन एफ अपॉन रूट टू हो जाए जिस फ्रीक्वेंसी पर, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो लेट अस सपोज वी हैव पुट दिस वन ए बाई एफ अपॉन रूट टू, इसका मतलब है, और ये कहां पर एट एफ इज इक्वल टू एफ एच, या यहां पर एफ एल होगा, ठीक है, एफ एल, तो एफ एल पर इसका वैल्यू वन बाई रूट टू हो जाएगा, इसका मतलब ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा वन बाई रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा एफ बाई रूट टू, तो जिस वैल्यू पर वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड एफ अपॉन रूट टू हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी रख देंगे टू पाई एफ सी भी कह सकते हैं, एफ एल भी कहते हैं, आर सी अपॉन वन प्लस टू पाई एफ एल इंटू आर सी का होल स्क्वायर का रूट, है ना, और यहां पर एफ तो है ही, एफ एफ कट जाएगा, यहां पर भी रूट टू है, इसको एक बार स्क्वायर कीजिए, है ना, स्क्वायर करते हैं क्या आता है देखते हैं, ठीक है।
it will be 1 by 2, okay, and 2 pi FL RC upon का होल स्क्वायर, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 8 है ना, पाई स्क्वायर एफ एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ एल स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा है ना, और हमें अब यहां निकालना है एफ एल है ना, ओके, सो इट विल लुक लाइक है ना, इसको यहां से इधर ले आता हूं मैं, सो एफ एल निकालना है, सो एफ एल स्क्वायर को रख लेंगे इधर, बाकी सबको इधर भेज देंगे, सो इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर एंड टेक द रूट बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, ओके, सो 1 अपॉन 2 पाई आर सी, इतना कट्स है ना, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमने अभी बताया कि जिस पर गेन कितना हो जाता हो एफ अपॉन रूट टू है ना, मैक्सिमम रूट, तो इसका थोड़ा सा ग्राफ भी देख लें कि कैसा ग्राफ रहता होगा है ना, सो इट विल लुक लाइक दिस है ना, विल वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इधर गेन है आपका, ठीक है, ये गेन है, गेन मतलब वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड, और इधर क्या है फ्रीक्वेंसी, यहां पर क्या है गेन, ये वी आउट अपॉन वी इन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा ए है ना, और ए एफ हमने क्या बोला कि जिस समय ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, सॉरी ये लो पास फिल्टर का बन गया ये, सो थोड़ा सा इसको हम लोगों को अलग चेंज करना पड़ेगा ना, हमको हाई पास फिल्टर बनाना है ना, तो इट विल गो लाइक दिस, ओके, और ये इसका इस तरह से ग्राफ रहेगा है ना, तो ये जो है इसका मैक्सिमम जो गेन है दैट इज एफ, एक ऐसा होगा वैल्यू जिस पर इसका गेन होगा एफ बाई रूट, ये फ्रीक्वेंसी जो होगा इसी को हम लोग बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये लोअर कट ऑफ है क्योंकि इससे कम वाले, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हम लोग बोलेंगे कि पास नहीं हो रहा है, और इससे ज्यादा, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कोई भी है तो उसको हम लोग बोलेंगे पास हो रहा है ना, ओके, लाइक दिस, क्लियर। अब इसमें इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं है ना, ये मैग्नीट्यूड भी आ गया है, इसी का यूज करके हम लोग इसका मैग्नीट्यूड का भी प्लॉट करेंगे है ना, मैग्नीट्यूड का कर्व जब ये वाला प्लॉट करेंगे तो इसी फॉर्मूला का यूज करके करेंगे, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखते जाएंगे और अलग अलग इसका आता जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज, ये क्यों निकलवाया हमने ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 1 अपॉन 2 पाई एफ आर सी, इस ये क्या है, दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो मतलब 2 पाई आर सी को हम क्या रख सकते हैं 1 अपॉन एफ एल रख सकते हैं ना, 2 पाई आर सी को क्या रख सकते हैं 1 अपॉन एफ एल, तो यहां पर भी 2 पाई एफ को छोड़ दीजिए, 2 पाई आर सी, 2 पाई आर सी को क्या रख सकते हैं, एफ तो है ही, एफ रह गया, और
है ना, इसको f को पहले ले लेते हैं, f इंटू टू पाई आर सी, और टू पाई आर सी क्या हुआ, एफ वन अपॉन एफ एक्स, है ना। सो टू पाई आर सी को हमने वन अपॉन लेफ्ट एफ लिख दिया, तो इट विल लुक लाइक दिस, ओके, एंड हेयर इट विल लुक लाइक दिस, टू पाई एफ आर सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर रहने दीजिए, एफ को एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी क्या बच गया, टू पाई आर सी, टू पाई आर सी को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ एल, मतलब वन अपॉन एफ एल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये इसका स्क्वायर। तो ये जो हुआ वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इन टर्म्स ऑफ दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल लुक लाइक दिस, है ना। और यहां पर एफ भी आएगा, एफ भी आएगा, तो जिस समय जिस फ्रीक्वेंसी पर इसका मैग्नीट्यूड वन बाई रूट टू हो जाता है उसी को तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां पर f इक्वल टू एफ एल, उसी पर ये इसका कितना गेन आ रहा है, एफ अपॉन रूट टू, ये देख लें क्या आता है कि नहीं आता है। यहां आप f इक्वल टू एफ एल रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो यहां वन हो जाएगा, यहां वन प्लस, यहां भी वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू, तो रूट टू आ गया, ये तो वन ही हो गया, तो एफ अपॉन रूट टू आ गया ना, ओके। सो इसीलिए ये फाइनल इक्वेशन है, और ये इसी से हम लोग कभी इसको प्लॉट करना होगा तो प्लॉट करेंगे, है ना, ओके। सो आई थिंक कि आपको फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास बटरवर्थ फिल्टर समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक चीज आ जाइए, फटाफट डिजाइन कर लेते हैं, है ना, एक वैल्यू, है ना। यहां पर पहला चीज एफ एच इक्वल एफ एफ एल इक्वल टू दिया हुआ वन किलो हर्ट्स, ठीक है, गेन दिया हुआ है टू, और इसी के लिए हम लोगों को ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, है ना, सिंस एफ एल इज गिवन वन किलो हर्ट्स, ओके, सो ये तो दिया हुआ रहेगा। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी सी का वैल्यू लेस देन वन माइक्रोफेराड ले लेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल होगा, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं सी इक्वल टू 0.01 माइक्रोफेराड, ये अवेलेबल रहता है जनरली लैब में, तो ये वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज हम लोगों को कैलकुलेट करना है आर, है ना। आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने बताया था कि जो एफ एल है दैट विल बी वन अपॉन टू पाई आर इंटू सी। अब देखिए सी हमको पता है, एफ एल पता है, तो आर नहीं निकल जाएगा, आर को इधर ले आइए और ये एफ एल इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टू पाई एफ एल इंटू सी, यहां से आर का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। सो अगर हम सबका वैल्यू रखते हैं, है ना, वन टू पाई एफ एल इज वन किलो हर्ट्स, सी का वैल्यू 0.01 माइक्रोफेराड, है ना, इसको जब सोल्व करिएगा तो इट कम्स टू बी, आई थिंक इसका जो वैल्यू आएगा इट विल बी 15.9 किलो ओम। तो 15.9 किलो ओम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 20 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पोटेंशियोमीटर, और यहां से इस तरह से हम ट्वेंटी किलो ओम का पोटेंशियोमीटर ले लिया और यहां एक जॉक भी लगा के 15.9 किलो ओम कर लिया, ठीक है। तो आप आराम से ये भी निकाल सकते हो, कोई बात ही नहीं है, एकदम सिंपल, जो ये सारे तो कैलकुलेशन वही है जो हमने लो पास फिल्टर में किया था, है ना, और ये हाई पास फिल्टर है, बस हाई पास और लो पास में क्या अंतर है, यहां आर था अब आर यहां आ गया, यहां सी था अब यहां सी चला गया, इंटरचेंज कर दीजिए एल और सी को, लो पास से हाई पास फिल्टर तैयार हो गया सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि सारा का सेम प्रोसीजर जो है सेम है। और अब क्या है कि अगर आपको इसका, हाँ दूसरा चीज एक और जो है कि ये आर वन और आर एफ का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, है ना, क्योंकि सी तो हमने ले लिया 0.01 माइक्रोफेराड,
है ना, आर का भी वैल्यू आ गया 15.9 किलो ओम है ना। लेकिन इसका आर वन आर एफ कैसे आएगा, होता क्या है, ए एफ कितना दिया हुआ है 2 और ए एफ होता कितना 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। आप दिमाग लगाइए कि इसको 2 लाना है तो आर एफ आर वन को इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस। तो आप इसको ले लीजिए, इसको भी 10 के ले लीजिए, इसको भी 10 के ले लीजिए, या इसको 20 के ले लीजिए 20 के ले लीजिए, आपका मन है। जो भी रजिस्टर आपके पास अवेलेबल है सेम वैल्यू का 100 किलो ओम से कम आर वन आर एफ का वैल्यू ले लीजिए इक्वल, है ना आगे, ठीक है। तो आपका आर वन इक्वल टू आर एफ आ जाएगा, है ना, तभी तो ये एफ टू आएगा, इसका वैल्यू रेशियो 1 होना है। ओके, सो आर वन इक्वल टू आर एफ इक्वल टू हमने 10 के ले, ठीक है। तो आपका ये रेडी हो गया, ठीक है। अगर कोई कहे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करना है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेटर सपोज हमने 100 ले लिया, 200 ले लिया, ठीक है, 400 ले लिया हर्ट्ज, 700 ले लिया, ठीक है, 1K 3K है ना, 1000 3000 ठीक है, और 10000 30000 है ना। इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, है ना, ये 30000 है ना, और ये हो गया एफ का वैल्यू, है ना। दूसरा वैल्यू आपको निकालना है इस वैल्यू के ऊपर वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, ये वाला, ये वैल्यू, ये कैसे निकलेगा, इसके हेल्प से, है ना। एफ टू दिया हुआ है, एफ आपके लिए ये सब दिया हुआ है, और एफ एल आपके पास पता है, एफ एल इज 1000, है ना। एफ एल का वैल्यू रखिए यहां पर 1000, एफ का रखिए यहां पर 100, है ना, यहां पर भी एफ का 100, एफ एल का 1000, और ये एफ टू, एफ इज 2। अब ये तीनों वैल्यू, इसका एफ का वैल्यू ये है, एफ एल का ये, एफ का ये, दोनों तो फिक्स है ना, एफ और एफ एल तो फिक्स है, एफ का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। तो यहां से आप ये निकाल लीजिए, फिर यहां पर वी आउट अपॉन वी इन को डीबी में निकाल लीजिए। डीबी में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा उसी का 20 लॉग ले लेंगे, है ना, मतलब वी आउट अपॉन वी इन, है ना, ये डीबी का मतलब ही वी आउट अपॉन वी इन, है ना, का मैग्नीट्यूड यही होता है ना, जो ये है उसका 20 लॉग ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो 100 पर इसका वैल्यू आप जरूर कैलकुलेट करिएगा, है ना। पहला वैल्यू हम लोग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया, 100 अपॉन 1000 0.1, है ना, तो ये हो गया 0.1, और ये आ गया, ये है 2, तो यहां हो गया 0.2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, ये आ गया 0.1 का होल स्क्वायर, मतलब 0.01, है ना। तो ये लगभग लगभग आपका आ जाएगा 0.2, क्योंकि 0.01 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये लगभग आ जाएगा 0.2, ठीक है। और इसका जब आप 20 लॉग 0.2 लेंगे तो इट कम्स टू बी आई थिंक माइनस 14 डीबी, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। मैं, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.39, इस पे 0.39 200 पे, इसका डीबी वैल्यू है -8.3, ओके, ओके, 400 पर इसका वैल्यू है 0.74, ओके, एंड इट कम्स टू बी -2.5
माइनस 2.6 यू कैन से ओके एंड 700 पेज का वैल्यू है 1.15 ओके इन डीबी वैल्यू इट इज 1.19 ओके 1K पर इसका वैल्यू है 1.41 ओके 1K पर तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि यहां पे 1K है 1K है ठीक है तो ये कट जाएगा ये 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा ये अंदर रूट 2 हो जाएगा ठीक है तो इसलिए इसका वैल्यू आएगा 1.41 क्योंकि ये 2 है 2 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2 1.41 इसका जब हम लोग डीवी वैल्यू निकालते हैं इट कम्स टू बी 3.01 डीवी है ना ओके सो एंड 3000 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से निकालेंगे इट कम्स टू बी 1.9 1.98 1.99 ओके एंड दिस इज ऑलमोस्ट इसके बाद जो भी आएगा वो कॉन्स्टेंट है ना ओके ठीक है इतना हो गया ये वैसे 7000 है और ये 10000 है ओके अब यहां पर इसका वैल्यू आप ले सकते हो 3.01 के बाद क्या है 5.56 5.59 5.56 5.93 93 5.98 एंड सो ऑन इस तरह से आपका चलता जाएगा ये लगभग अगर इसको 10000 है अगर इसको 30000 पे लेंगे तो ये लगभग 2 आ जाता है और ये लगभग 6 आ जाएगा है ना और इसके बाद ये 2626 ही आता रहेगा कितना भी आप फ्रीक्वेंसी लेते जाइए है ना तो इसका एक छोटा सा प्लॉट देख लेते हैं हम लोग है ना क्या होता है ओके सो हियर यू कैन सी इसका वैल्यू आप जब रखेंगे है ना तो इधर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और इधर जो है आपका गेन इन डीबी आप इस वैल्यू को डीबी वाले को रख दीजिए है ना तो ये जो है ये -14 डीबी से शुरू हो रहा है ना इट इज बिगनिंग विथ आई थिंक -14.02 है ना ओके सो यहां लगभग 100 हर्ट्ज है ना यहां पर ये 14.02 से इसका शुरुआत हो रहा है ना ओके और यहां 100 हर्ट्ज है फिर यहां आपका 200 हर्ट्ज है ना 200 हर्ट्ज है ठीक है तो यहां पर कुछ इसका वैल्यू -14 के बाद है ना ये यहां पे कहीं पे 0 होगा यहां पे कहीं पर 6 होगा ये मान लीजिए यहां पे कहीं पे 0 होगा यहां पे कहीं पे 6 होगा है ना ओके और ये 200 यहां पर उसके बाद यहां पर लेट अस सपोज ये 700 यहां पर 1K यहां पर 3K यहां पे 10K है ना और यहां पर 30K इस तरह से वैल्यू आता चला जाएगा और है कितना 100 पे कितना है -14 ये वाला ओके उसके बाद
200 पे कितना है माइनस 8.3, तो आई थिंक ये ओके। 700 पे कितना है 400 पे माइनस 3 माइनस 2.6, ये जीरो है, तो लगभग ये 700 ना ये ओके। फिर 1.16 ये लगभग इसी से थोड़ा सा ऊपर 1K पर ये है ना, 3K पर ये 3K पर 5.56 लगभग इसी के है ना आसपास आता चला जाएगा है ना। ये होगा आपका ग्राफ है ना, तो इसका मतलब है इसको और काम करते जाएंगे तो ये यहां पर इस तरह से शुरू होगा है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, इट इज अ लो पास फिल्टर, इट इज अ लो पास फिल्टर। और गेन कितना होना चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये 3 dB, यहां पर ये जो 3 dB आएगा ये 1K इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिस समय गेन कितना होना चाहिए 3 dB, ये वाला है ना, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का है, तो यहां पर 3 dB है उस समय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप सिर्फ गेन वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप डीबी में भी ड्रॉ कर सकते हैं है ना ओके। सो अभी बहुत लंबा लेक्चर हो गया है ना, तो जो सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है उसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे है ना, जरूर ज्वाइन कीजिएगा देखने के लिए, कोई वो भी ज्यादा कोई हाई फाई नहीं है लेकिन मस्ट ज्वाइन ओके। थैंक यू वेरी मच।